हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। बिल दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसी नेचुरल इफेक्टिव रेमेडी जो 100% वर्क करती है और बहुत जल्दी असर करती है। सो चलिए स्टार्ट करती है आज की इस रेमेडी को बनाना। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है एक लोहे का बर्तन, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक आलू लेना है, मीडियम साइज का या बड़े साइज का। छोटा ले रहे हो तो दो आलू ले लीजिए। छिलके को आपको यहाँ पे निकालना नहीं है, छिलके सहित आपको इसे यहाँ पे ग्रेट करके निकालना है। सो इस तरीके का मैंने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया है, और आलू को हम अच्छे से यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। और आलू आप सभी जानते हैं आयरन की हाई डिफिशेंसी होती है, विटामिन प्रोटीन मिनरल्स सभी आलू में पर्याप्त रूप से पाया जाता है। आलू हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि आलू ना सिर्फ प्राकृतिक रूप से आपके सफ़ेद बालों को काला बनाती है, बल्कि आपके बालों में बनने वाले मेलानिन को भी बूस्ट करती है और मेलामाइन को भी बढ़ाती है। आलू आपके बालों में चमक को बढ़ाती है, बालों को स्ट्रॉन्ग करती है, हेल्दी बनाती है। तो एक पूरा आलू आपको यहाँ पे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। क्योंकि मेरा ग्रेटर यहाँ पे स्मॉल वाला है, इसलिए आपको अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है बोल के अंदर। तो जो भी आपके पास हो, या फिर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आपको इसमें ऐड करना है एक लेमन, नींबू रस आपको इसमें ऐड कर देना है। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो आप इसकी कम मात्रा डालिए, लेकिन इसे स्किप नहीं करना है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, नींबू में मैग्नीशियम होता है, नींबू में प्रोटीन भी पाया जाता है। बालों से डैंड्रफ को दूर करने के लिए नींबू बहुत जल्दी असर करती है। साथ ही नींबू आपके स्कैल्प से इम्प्योरिटीज़ को दूर करती है और आपके बालों को स्वस्थ बनाती है। नेचुरल हम बात करें तो नींबू हमारी स्किन में जैसे ब्लीच का काम करती है, उसी तरीके से नेचुरल तरीके से ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपके सफ़ेद बालों को पूरी तरीके से काला करने में भी नींबू बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो पूरा एक नींबू मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसका रस मैंने आलू के साथ ऐड कर दिया है, क्योंकि आलू में तो अपना ही एक पानी होता है, रस होता है, और इसमें मैंने ऐड किया नींबू। तो दोनों को अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे नींबू के रस के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको इसे क्या करना है, इसे स्ट्रेन करना है। सो यहाँ पे एक बोल ले लिया है और स्ट्रेनर रख लिया है। आप चाहें तो मलमल या सूती के कपड़े से भी इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रेस कर दीजिए ताकि सारा जो जूस है वो निकल जाए। बहुत अच्छे से आपको इसे प्रेस करके पूरा ही इसका जो जूस है वो निकाल लेना है। चूंकि लोहे के बर्तन में इस्तेमाल करने पे हेयर पैक का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं इस रस को वापस से लोहे के बर्तन में ऐड कर दे रही हूँ। अब आपको इसमें ऐड करना है पाउडर्स। सो गाइस, सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना है आंवला पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है। सेकंड नंबर पे आपको इसमें ऐड करना है कत्था पाउडर, 1 चम्मच कत्था पाउडर आपको इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास कत्था पाउडर नहीं है तब आप यहाँ पे जटामांसी पाउडर, रतन जोत पाउडर या फिर भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिना किसी लम्स के मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है।
आप इसे 2 घंटे के लिए ढककर के छोड़ें। इसके बाद आपको इसे अपने बालों में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है, ओवरऑल बालों में लगाना है। और लगाने के बाद आपको इसे 1 घंटे तक छोड़ना है, देन वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। रात में सोने से पहले अपने बालों की स्कैल्प की मसाज करें, ऑयलिंग करें, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लें। इस नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं और कोई भी इसे मेल फीमेल बूढ़े जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको अपने बाल तेज़ी से काले करने हैं, जल्दी आप काले करना चाहते हैं, बालों की समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आई होप दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ रेमेडी को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।